नीचे ऑफिस में बैठते थे लोग आके, ठंडा होता। हेलो गाइस, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। हम लोग यूं ही निकल रहे थे, लखनऊ में रहते हुए इतने साल हो गए, हम लोग इसके बारे में भी नहीं पता था। आज हम लोगों ने एक ऐसी जगह का खोज करके निकाली है जो कि शायद ही किसी ने बनाया है, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसका नाम है फरहत बख्श कोठी, यानी ये छतर मंजिल भी इसके बगल में है जिसको बोलते हैं CDRI। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है और इसका ऑफिस अब जानकीपुरम में शिफ्ट हो चुका है। बताते हैं कि इस बिल्डिंग के नीचे गोमती का पानी रहा करता था और आज भी है। बताते हैं जिस दिन गोमती का पानी ख़त्म हो जाएगा उस दिन ये बिल्डिंग जो है गिर जाएगी, ये कहते हैं। लेकिन अब क्या सच है क्या, इसके बारे में हम लोग जानने के लिए आए हुए हैं। इस कोठी को देखेंगे और आपके इसके बारे में बताएंगे। आइए चलते हैं, इस कोठी के बारे में जानकारी देते हैं। ठंडा होगा, ठंडा होगा। अरे हाँ, क्या ठंडा है ना, कार जला ही दीजिए। देखिए पूरी बिल्डिंग जो है ध्वस्त हो रखी है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। हमने फ्लैश लाइट भी जला रखी है। ये क्या पड़ा है यहाँ पर, आइए चलते हैं, देखते हैं ऊपर चलते हैं। आइए इस बिल्डिंग को कैप्चर करते हैं हम लोग। आइए जीना है, देखिए आराम से आइएगा क्योंकि बिल्डिंग कहीं ना कहीं गिर रही है। तो हमने क्यों ना इसको दिखाया जाए, इसके बारे में बताया जाए, बंद कर दिया जाएगा ऊपर। मेरे ख्याल से टूटने का डर है ना। हाँ, यहाँ से रास्ता बंद है। ऊपर भी है कुछ पर बंद कर दिया गया है। वो देखिए, वो देखिए, वो टूटने टाइप का हो गया ना। अभी देखते हैं दूसरे रास्ते पे। अभी देखिए इसके नीचे कितना ठंडा है। आपने ये चीज देखा, इलाके में यहाँ पे जो कोसी नदी बगल में है इसका पानी यहाँ पे रहा करता था, लोग यहाँ पे बैठते थे, उनका मानना यह है। इधर आइए, बड़ी मुश्किल में यहाँ से इजाजत दिया है इसको दिखाने के लिए। हालांकि मना कर रहे थे, हमने कहा था ना इसमें गोमती का पानी रहता था, देखिए नीचे पीछे बनाए हैं ना, शायद इसमें मरम्मत होगी जल्दी ही। देखिए इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे वो, लेकिन हम लोगों ने बड़ी मुश्किल में इजाजत दिया है इसको दिखाने के लिए, मना कर रहे थे रिक्वेस्ट की। देखिए ये देखिए आप, वॉश बेसिन वगैरह सब लगे हैं पुराने जमाने के। खिड़कियाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं, सब निकाल दिए होंगे है ना। आइए ना चलते आ जाइए, चलिए ये सब जी आगे चलिए। ये देखिए पूरा लैब सेंटर था। ये देखिए कितना खतरनाक हिसाब किताब है, देखिए कोशिश नहीं कर। ओ गजब, इधर देखिए बिल्कुल डेंजर जोन में पानी। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ गोमती का पानी इधर, ये सही है, हकीकत है कि नदी का पानी यहाँ इस बिल्डिंग के नीचे रहता है। बताते हैं जिस दिन पानी नहीं रहेगा लेकिन उससे ढह जाएगा, उससे पहले इसकी दुर्दशा खराब हो चुकी है क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये। देख लीजिए बिल्कुल, अरे यहाँ भी नहीं मानेंगे। पूजा आ जाइए, पूजा को हमें नहीं देखना। ये देखिए इधर देखिए आप, कितना मतलब यहाँ पंखों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये देखिए आप, ये देखिए बिल्कुल, आप इधर देखिए ऋषभ जी, इधर दिखाइए, वो देखिए, वो देखिए, उधर देखिए पैखाना, देखिए नीचे है। हमने जो बात कही थी आपसे है कहानी गोमती का, हाँ गोमती का पानी है। ये देखिए कितना डेंजर जोन है, ये पत्थर देखिए बनाया गया था, पटरी छोड़ दी, पटरी छोड़ दिए गए थे। और उधर देखिए ये अभी अभी नया कार हुआ है, ये मतलब ये गोमती नदी है ना बगल, मैंने आपसे बताया इसके पानी को करने के लिए यहाँ रोक रखा क्योंकि इसका पानी का स्रोत इसके नीचे से ही है, इस बिल्डिंग के नीचे पानी हमेशा रहता है। अभी हम कोशिश करेंगे आगे देखते दिखाने की आपको। चलिए इधर निकलते हैं, इधर उजाले में निकलते हैं क्योंकि इधर ज़्यादा अंधेरा है, इधर दिखाना ठीक नहीं, जाना ठीक नहीं है, भयंकर रूप अंधेरा। और हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि आप लोग कभी भी अकेले मत आइएगा यहाँ पर, आइएगा दो तीन लोग साथ में हों। ये देखिए, ये देखिए सब खुला है यहाँ है बिल्कुल, इस कोठी को जो है ये देखिए। आइए यहाँ से जीना है, चलते हैं थोड़ा, हम मोबाइल की टार्च जलाते रुकिए।
एक मिनट रुकिए, मोबाइल का टार्च लगाते हैं। आइए आइए ऋषभ जी, देखते हैं जहाँ तक जा पाते हैं हम लोग, जाएंगे फिर वहाँ से ब्लॉक कर देंगे, नहीं होगा तो रास्ता। आइए आइए, देखिए कितना खूंखार मंजर है ये, वाकई हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। अरे वाह, अरे आप ऊपर तो आके देखिए क्या नज़ारा है, इसको तो हम बाद में कैप्चर करेंगे, पहले चलते हैं हम लोग जा कहाँ तक सकते हैं इसको देखने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं। वाकई में मतलब लखनऊ में भी ऐसी धरोहर थी जहाँ आने के लिए लोग सोच नहीं सकते थे। देखिए हम लोग फ्रंट पे आ चुके हैं ऊपर, और ये देखिए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ज़रा दिखाइए घुमाइए, ये देखिए हम लोग जिस टाइम पे यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च सेंटर था उस टाइम यहाँ पे आना बिल्कुल मना था, अब हो गया है, खाली पड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, तो हम लोग को इजाज़त मिल गई आने की। हालांकि मैंने आपसे बार बार कहा ना, वो मना कर रहे थे, हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया उनसे, तब उन्होंने हम लोग को यहाँ पे शूट करने के लिए दिया। ये देखिए आप, ये देखिए आप किस तरह से, देखिए खुला, कहाँ से हम लोग आए किस तरह से ऊपर, देखिए आप है, ये देखिए वेंटिलेशन के लिए बनाया गया, देखिए किस तरह से बनाई गई बिल्डिंग है। आप हम लोग तो देख के इसलिए ताजुब कर रहे हैं कि यहाँ तो ना पंखे के कोई लुप है ना कुछ है, और बिल्डिंग पूरा एसी है। आइए आइए सर जी, आगे आइए, इधर इधर इधर, वो देखिए इधर से भी जीना दिख गया हमें, चलते हैं कैप्चर करते हैं इसको भी सब, बाकी तो बड़ा। आइए देखिए आइए, ये देखिए हमने आपसे क्या बात, जो बात कही थी घूमती ना, दिख गया, देखिए हमने जो बात आपसे सत्य कही थी सही है कि नहीं, ये देखिए अब आप देखिए यहाँ से, आप इस जगह को देखिए, वो देखिए सामने गोमती नदी, उधर दिखाइए, इस गोमती नदी का पानी इस बिल्डिंग के नीचे रहता है। मैंने आपसे बोला ना, जिस दिन ये सामने गोमती नदी नहीं रहेगी बिल्डिंग ख़त्म हो जाएगी, ऑलरेडी बिल्डिंग तो ख़त्म ही है क्योंकि जर्रा हो चुकी है, इसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है। आप ये मान लो, ये अब ये लोग यहाँ पे नीचे जाके जो है तहखाना टाइप का उसमें बैठते थे, अब वो तहखाना बंद है, तो इसीलिए बंद है कि अब यहाँ कुछ है नहीं। लेकिन ये नदी देखिए बगल में बह रही, उसके बगल में बिल्डिंग है, नीचे दिखाइए देखिए कितनी गहराई, हम लोग कितने ऊंचे पे आ चुके हैं, अब अंदाजा लगा लीजिए इस बात से। और हम लोगों ने इस बिल्डिंग को ऐसा खोजा है कि नेट द्वारा हम लोगों ने इस बिल्डिंग के बारे में निकाला और इसके बारे में जाना, और हबले का ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाएँ जो किसी ने ना बनाई हो ना दिखाई हो। हमारा मकसद यही है कि आप लोग भी जानिए कि हमारी लखनऊ में क्या क्या धरोहर थी। ये देखिए हम और हाइट पे आ गए, ये देखिए सर यहाँ दिखाइए, ये देखिए सामने दिखाइए इधर, ये देखिए वहाँ पे देखिए इधर घाट है, हम लोग कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं, सामने मेट्रो स्टेशन, ये हम लोग जो है सामने हम लोग जो है हनुमान सेतु है यहाँ पे है आ चुके हैं। आइए देखते हैं ऊपर चलते हैं, थोड़ा और कोई चीज़ रह ना जाए, हम सब कैप्चर करना चाहते हैं एक एक यहाँ की, क्योंकि फिर हो सकता है किसी को यहाँ बनाने मिले ना मिले, क्योंकि हम लोग ने इतना बना दिया है कि शायद इसका हल्ला जरूर हो जाएगा। देखिए और ऊंचाई पे आ गए, और ऊंचे पे आ गए, देखिए अब नज़र लगाइए कहाँ नदी कहाँ बीच में फासला कहाँ पानी, आप इधर दिखाइए देखिए, ये देखिए इधर, ये देखिए है कितनी ऊंचाई पे। आइए एक ऊंचाई और स्टेप देखते हैं क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग भी थक चुके हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा ये है कि हम एक एक कवरेज आपको दिखा दें, कोई भी व्यू कोई भी हिस्सा ऐसा ना रह जाए ताकि हमें भी अफसोस हो कि हमने अपने लिसनरों को नहीं दिखाया। भाई अभी एक सीढ़ी हो रही है, चलते हैं बिल्कुल टॉप पे, ऊपर वाले ने भी शायद सुन लिया हम लोग की बात कि आप दिखाइए हम आपके साथ हैं। अब ये देखिए बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं, लास्ट स्टेज पे आ गए हम लोग, ओहो लखनऊ के एकदम, ये देखिए इधर कहाँ आ गए, देखा आपने एक व्यू को देखिए,
आइए देखिए छतों के, देखिए कि आज भी इसी तरह बिल्डिंग बरकरार है। वाकई में कोठी के बारे में जान के बड़ा आश्चर्य हुआ हम लोग को। बताइए ये देखिए, अरे वाह, आप यहाँ देखिए चारों तरफ से वेंटिलेशन है, खोल के बैठ जाइए। अच्छे अच्छे फाइव स्टार होटल भी कहा, इधर आइए जी, देखिए इधर, ये देखिए कहाँ पे हम लोग हैं, किस ऊंचाई पे हैं। सामने देखिए मेट्रो, वो देखिए हैं। अब इसकी ऊंचाई से आप अंदाज़ा लगा लीजिए हम तो कितनी ऊंचाई पे हैं, मानना पड़ेगा इस बिल्डिंग के। चलिए भाई हम नीचे चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि और क्या देख सकते हैं हम लोग। आइए जीना तो मिला, यहीं से चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या जीने। आप देखिए जीने की बनावट देखिए, किस पत्थर से सांचे से ढाले गए होंगे, देखिए आप हैं बिल्कुल एक एक। ये देखिए हमको लग रहा शायद कोई अकेला तो आ नहीं सकता, डर जाएगा हैं। बताइए वो देखिए खोखान मंजर देखिए नीचे का, आप यहाँ से केवल बिल्कुल तय है ना। और जीने देखिए एक स्टेप एक स्टाइल में बने हैं, कुछ छोटे ना बड़े ना कुछ, बिल्कुल बराबर से हैं वाकई में। चलिए हम लोगों ने इस बिल्डिंग को खोजा और देखा, हमने तो ये तो यही बहुत बड़ी बात है कि है कहाँ पे। देखिए बिल्कुल अभी हम लोग इसके नीचे तहखाना अगर खुला होगा तो उसमें भी जाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि है कहाँ ये। जब इतना दिखाया है तो इतना भी हम आपको दिखाएंगे। अभी नीचे उतर रहे हैं, फिर देखते हैं कि आखिर में वो तहखाना है कहाँ जहाँ लोग बैठते थे। सुना है क्योंकि ये बात तो कई लोगों से हमने सुनी भी है और देखने की कोशिश करेंगे। आइए इतनी सीढ़ी तो शायद हमने भी कभी हमने भी चढ़ी होगी बिल्कुल। अब आगे से जो है अंधेरा स्टार्ट है आगे नीचे, ये मान के चलिए। हाँ इधर देखिए क्या है एक बार, ये देखिए इधर हमारी जाने की हिम्मत नहीं है, थोड़ा कैमरा मान करते हैं ये माइक मान पकड़िए आप, हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं जहाँ तक दिखाने की। आइए इतना दिखा पाएंगे दिखाएंगे, ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। आइए जहाँ तक का रेड लाइट जाएगी, आइए आइए आइए, कोई डर नहीं है, साफ है रास्ता। ये देखिए एकदम सुरंग है, तहखाना है, देख रहे हैं ना ये सुरंग है बहुत खतरनाक। और ये कहाँ को निकलती है अभी उन्हें जा नीचे। वाकई में वाह क्या नज़ारा इसके अंदर, आप देखिए वो माय गॉड, ये सब सुरंग दिखाइए इधर। ओफो ये देखिए लोग यहाँ आके ऐसी ऐसी कारीगरी की गई है। ये देखिए ऊपर देखिए केवल, ओहो गुमती का ये किस तरीके से पानी की जड़ में है, लेकिन क्योंकि इसको रोक रखा है यहाँ इस पिलर से कि पानी बिल्डिंग पे ना आए, लेकिन फिर भी देखिए नदी का पानी यहाँ आ चुका है, पानी आ चुका है लेकिन बाहर से सीलन भले नजर आ रही लेकिन अंदर सीलन नहीं है, एक बूंद सीलन नहीं नजर आ रही। अंदर देखिए कितना ठंडा कितना है, आप ये देखिए गुप्त अंधेरा है, देखिए एक दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। अब जब आए हैं तो व्यूअर को दिखाई दे, अब देखिए हम आपके लिए किस तरह से हम लोग प्लॉगिंग करते हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कहाँ क्या है। हम लोग कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं है, अगर पता चल जाती है तो उसको कवरेज कर डालते हैं चाहे जैसे भी। बस हम आप लोग से यही कहेंगे कि हमारे धैर्य को हमारे साहस को आप लोग बहुत बड़ी सुरंग है कि देखिए आप बिल्कुल सुरंग भी बहुत बड़ी है, मतलब ऐसी सुरंग तो हमारे ख्याल से इमाम बाड़े में भी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ बंद कर दिया गया है। वहाँ तो छोटी थी पतली थी मतलब बंद कर दिया, चौड़ी थी। ये देखिए इस टर्मिनल को उन्होंने बचाने की कोशिश भी किया, देखिए पिलर लगे हैं, देखिए यहाँ काम चल रहा है और इन्होंने रोक दिया। देखिए यहाँ पानी आ गया था, देखिए यहाँ दिखा दीजिए, ये देखिए यहाँ पानी आ गया, देखिए पिलर लगे हैं, ये इसको रोक दिया, देखिए है ऊपर दिखाइए, ऊपर दिखाया रास्ता बंद है, टर्मिनल बंद है। इधर दिखाइए वहाँ से हम लोग आए, वहाँ से हम लोग आए, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ऊपर हो जाते हैं, देखिए एक मिनट देखिए
वहां से हम लोग आए उस जगह से। आप जी अब ये देखिए, आप देख सकते हैं सुरंग के दरवाजे, इतना ठंडा है। ये देखिए पहले की नकाशी देखिए ऊपर, ये देखिए मतलब ऐसा नहीं है। देखिए आपको कहीं सरिया दिख रहा है? कहीं भी नहीं, नहीं। कोई जोड़ है ही नहीं, कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि किस तरह से बनाया होगा आप इस बात से अंदाजा लगाइए। देखिए इसके अंदर देखिए सुरंगे, देखिए आइए मत घूमते देखिए, देखिए बैठने के लिए है। अधिकतर ये देखिए दरवाजे बंद कर दिए गए, देख रहे हो बहुत खराब है। मतलब ये आप मान लीजिए डेंजर जोन है इसके अंदर आना। हाँ। ये मान लीजिए लकोरी, क्योंकि ये लकोरी से ही बना है, कभी भी टिका भी। हाँ देखिए सब रास्ते बंद कर दिए गए हैं ना इसे, इस देखिए सब लकोरी है बिल्कुल जो है इसको। अब आइए इधर से आइए, ऊपर चलते हैं। बहुत हम लोग किस तरह से नीचे आए, आगे ऊपर चढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ लोग बताते हैं नीचे ऑफिस में बैठते थे लोग आके, ठंडा होता था। कहाँ से हम लोग होया है आप इस बात में लगाया लगाइए। हमने ऊपर भी दिखाया, नीचे तहखाने में भी गए जी। ये देखिए तहखाना सब बंद हो चुका है, बंद हो चुका है। आगे की तरह पर दिखाते क्या अंदर तो नहीं जा सकते, पेपर दिखाइए लकड़ी का है। ये देखिए लकड़ी का है, आप देखिए पूरा ये सब गिर चुका है, इसीलिए यहाँ आने के लिए मनाही है। लेकिन हम लोग किस तरह से आए हम ही लोग जानते हैं, कितना हमने उनसे मिन्नत की। ये शायद ऑफिस होता, यहाँ पर होती होगी मीटिंग, मीटिंग होती होगी, हॉल है क्योंकि प्रोग्राम होते होंगे यहाँ। आप एक चीज पर देखिए वेंटिलेशन बहुत बढ़िया है, कहीं पे दिखा नहीं, हर तरफ से मतलब जो है हवादार है और कितना ठंडा है। ये चीज को देखिए आप, लाइटिंग की तो व्यवस्था करनी चाहिए। ये देखिए बोर्ड लगाइए, आप ही देखिए लिखावट यहाँ पे पड़ी है, दोनों बार लिखिए। ये देखिए आप ये देखिए, ओहो अभी देख मतलब ये साइंटिस्ट बता तो नहीं है, रिसर्च होता था। हाँ पुरानी बिल्डिंग है, देखिए अभी भी जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप एक बार से नज़र लगा लेंगे और देखिए बिल्डिंग में कहीं भी कोई शिलान्यास तक नहीं है, ये अलग से बनाया हुआ नक्काशी है। देखिए देखिए ये इनका अलग से बनाया हुआ चैम्बर है, दरवाजा खुलिए निकलते हैं। कहाँ से निकलना है अब? यही तो रास्ता, यही तो रास्ता ढूंढना। अब हम लोग ऑलरेडी खुद फंस चुके हैं कि निकले किधर से। आइए देख घूमते हैं रास्ता, कहीं ना कहीं तो निकले कहीं। ये देखते हैं क्या हुआ, डरिए नहीं जिस सब में डरना मना है। ये हमको तो लगा है ऊपर फिर ले जाएगा, छत्र मंजिल है ना ये। हाँ कहीं ना कहीं तो रास्ता होगा। ओह माय गॉड ये कहाँ है, ये कहाँ, इसमें तो लग रहा हॉरर फिल्म की शूटिंग होनी चाहिए भाई। ये हमें कहाँ आ गया है, ये आ गया मिल गया, ये शोर हो गया, सरिया थी भूल गए थे जी। आइए ना आइए, हाँ आकर आप लोग एक कमरा ले लीजिए यहाँ पर और रहिए, रह सकते हैं तो रह के दिखाइए। अब चूल्हा भी रखा है आगे से, आप शूट करके इसका इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ, हम एक बार पढ़ते हैं। ये सब जी दिखाइए, इस भव्य मंदिर भवन का निर्माण नवाब शहादत अली खां 1778 से 1814 में अपनी माता छत्र कुमारी के नाम पर करवाना आरंभ किया था, परंतु इसके बाद बादशाह गजुद्दीन हैदर 1814 से 1827 में पूरा किया था। यानी कितने साल लग गए, 1814 से 1827 में बनाने में 13 साल में बिल्डिंग बनी। नसीरुद्दीन हैदर 1827 से 1837 के शासनकाल में इस भवन का पर्याप्त रूप से अंकलन किया गया था। छत्र मंजिल इंडो इटालियन स्थापना का एक भवन आ कहते थे कि भूतलों की दीवारों से गोमती का पानी टपकता था। मैंने क्या बोला था, गोमती का पानी टपकता था जिससे उन भूतल के भवनों में बराबर ठंडक बनी रहती थी, इसीलिए कोई पंखे कोई हुक नहीं है नीचे, देखिए बराबर ठंडक बनी थी। इस भवन का प्रयोग मुक्ता अवध की बेगमों के निवास के लिए किया जाता था, यहाँ बेगम न रहती थी। ऐसा भी कहा जाता कि सिंहासन रोहण के समय जब नवाब ने छत्र धारण किया तब उसकी
उसने इस महल के ऊपर एक छतर लगवाया था। लखनऊ के अंतिम शासक नवाब वाजिद अली शाह 1847 से 1856 के समय यहाँ तक यह महल शाही निवास के लिए प्रयुक्त किया जाता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में छतर मंजिल का प्रयोग क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था, यानी हमारे क्रांतिकारियों ने भी इस बिल्डिंग का उपयोग किया था। तो गाइस अब यही चाहेंगे, अपने इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं। इस ब्लॉग के लिए हमने बड़ी मतलब लगन और बड़ी शिद्दत से अपनी जान को भी जोखिम डाल के नीचे गए, हालांकि जाने के लिए मनाही थी, लेकिन हमने फिर भी आपको दिखाया। तो गाइस हम ये कहेंगे अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बच्चों को मत लेके आइएगा, आप जो हैं जेंट्स जेंट्स या लड़के लड़के ही आ सकते हैं, फैमिली मत लाइएगा और इसको देख के जाइए। और फिलहाल अगर आपको आने मिलेगा तो, लेकिन हमने शूट किया है इस ब्लॉग को, आप बताइएगा इसके बारे में और हमें जानकारी दीजिएगा। अगर कोई भी कमेंट हो तो हमारे बॉक्स इनबॉक्स पर दीजिएगा। और हम यही चाहेंगे कि हमारे बस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। बस यही कहूँगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दुआओं में हमें याद कीजिए। ओके गाइस, बाय।